एक स्टिच और बढ़ा लिया है, 7 स्टिच हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर। अब देखिए ये बीच वाला पोर्शन हमने छोड़ देना है, यहाँ आ जाना है, 1 और 2 स्टिच बनाएंगे। यहाँ एक स्टिच हमारा इधर बढ़ गया, एक दूसरी तरफ बढ़ा लेंगे। एक जैसा डिजाइन है फ्रेंड्स। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 13 के मल्टीपल में स्टिचेस बनाने हैं और +1 कर लेना है तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी इंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट, कैसे बनाया है ये डिजाइन। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 13 के मल्टीपल में स्टिचेस बना लिए हैं और +1 कर लिया है और एक बेसिक रो तैयार कर ली है। इसी के ऊपर आपको डिजाइन बनाना बता दूंगी। तो यहाँ हमने 2 चेन बना ली हैं और 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 1 चेन करेंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टिच बना लेंगे। अब 1 चेन करेंगे, 1 स्टिच यहां से छोड़ेंगे और 7 स्टिच इधर बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। नेक्स्ट रो पे आ गए। यहाँ फ्रेंड्स 2 चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 स्टिच हम छोड़ देंगे तो इसके अंदर चेन के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डबल क्रोशिया करने के बाद यहां 2 स्टिच छोड़ेंगे तो तीसरे में आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
बस एक दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, एक दो, दो चेन करने के बाद डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे, दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये दो डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और यहाँ शुरू हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। अब फ्रेंड्स यहाँ से दो छोड़ेंगे तो तीसरे में आ जाएंगे, एक दो तीन चार, दो इधर से छोड़ देंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। यहाँ दो स्टिच छोड़ेंगे, एक दो तीन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक दो चेन करेंगे, अब देखिए दो डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम दो चेन करेंगे, सॉरी तीन चेन करेंगे तो पहले वाले स्टिच में आ जाएंगे, फिर से तीन चेन करेंगे तो एक स्टिच छोड़ेंगे नेक्स्ट वाले में टक कर लेंगे, फिर से तीन चेन इसको छोड़ेंगे यहाँ टक कर लेंगे, तीन चेन इसको छोड़ेंगे यहाँ टक कर लेंगे, एक दो तीन अब एक दो तीन चेन इसको छोड़ देंगे तो यहाँ एक दो, दो डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर से एक दो तीन पहले वाले स्टिच में टक कर लेंगे, फिर से एक दो तीन एक छोड़ के अगले में टक कर लेंगे, एक दो तीन एक एक स्टिच छोड़ते जाएंगे, ये स्टिच छोड़ेंगे यहाँ आ जाएंगे, एक और दो, नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, यहाँ फ्रेंड्स दो चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया। अब फ्रेंड्स इसी के साथ एक और यहाँ पे इसी में एक में दो बना लेंगे तो ये तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब एक दो तीन, तीन चेन करेंगे तो
तो इसको हमने ये पहले वाला जो लूप बना है इसके अंदर ऐसे टक करना है, एक दो तीन, नेक्स्ट वाले में टक कर लेना है, एक दो तीन, नेक्स्ट वाले में, एक दो तीन, फिर नेक्स्ट वाले में, अब एक दो तीन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो स्टिच हैं हमारे, ये पहले वाले में एक और दो, एक स्टिच यहाँ बढ़ गया हमारा। अब दूसरा स्टिच, एक दो, दोनों तरफ से एक एक स्टिच बढ़ा लिया हमने, तो यहाँ हमारे चार स्टिच हो गए हैं, एक दो तीन, यहाँ टक कर लेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो ये देखिए, जो पहले वाला स्टिच है इसके अंदर हमने दो बार बुनना है, एक दो, यहाँ एक स्टिच बढ़ाना है हमको, दो के तीन स्टिच हो जाएंगे हमारे यहाँ। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, एक दो, दो चेन कर ली, एक दो। अब देखिए इस स्टिच में हमने दो बार बनाना है, एक दो, तो हमारा एक स्टिच और बढ़ गया। अब तीन चेन, यहां टक करते जाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखिए पहले वाले स्टिच में हमने दो बार बनाना है, एक, फिर से एक और स्टिच, दो, तीन, चार, पांच, और इसमें एक और स्टिच बनाएंगे तो छह स्टिच हो जाएंगे। दोनों तरफ से एक एक स्टिच हम बढ़ाते जाएंगे, एक दो तीन, एक, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखिए इस स्टिच में हमने दो स्टिच बनाने हैं, एक दो, दो डबल क्रोशिया बना लिए, तो एक स्टिच हमारा बढ़ गया यहाँ पर। नेक्स्ट रो पे आ गया, एक दो, एक दो, तीन, चार, और एक और बनाएंगे, पांच, एक दो तीन। अब देखिए यहाँ पे टक कर लेंगे, एक दो तीन, इसको यहाँ टक कर लेंगे, एक दो तीन, यहाँ हम एक स्टिच बढ़ाएंगे, एक और दो, एक दो, दोनों तरफ से फ्रेंड्स एक एक स्टिच बढ़ाना है हमने उस तरफ से। ये देखिए एक यहाँ बढ़ा लिया, एक हमने यहाँ बढ़ा लेना है, दोनों तरफ। लास्ट में हमने ये देखिए स्टार्टिंग में दो स्टिच बनाए, लास्ट में भी दो स्टिच बनाए, तो एक दोनों तरफ से एक एक स्टिच हमारा बढ़ गया। अब तीन चेन करेंगे तो यहाँ टक कर लेंगे, अब फिर से तीन चेन करेंगे, यहाँ टक कर लेंगे, एक दो तीन। अब यहाँ एक स्टिच बढ़ा लेंगे, एक दो, एक ये तीन स्टिच बनाए हमने, प्लेन बना लिए, यहाँ हमने एक में दो बना लिए तो एक स्टिच हमारा बढ़ गया है। नेक्स्ट रो पे आ गए, एक दो, एक दो, तीन,
चार, पांच, छह, एक स्टिच और बढ़ गया यहाँ पे। अब देखिए एक दो तीन चेन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे टक कर लेंगे, फिर से तीन चेन करेंगे यहाँ एक स्टिच और बढ़ा लेंगे, एक दो, बीच वाले स्टिच हमने सिंगल सिंगल बनाते जाना है, साइडों में डबल करना है दोनों तरफ, तो एक एक दोनों तरफ से स्टिच बढ़ जाता है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, एक स्टिच और बढ़ा लिया है, सात स्टिच हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर। अब देखिए ये बीच वाला पोर्शन हमने छोड़ देना है, यहाँ आ जाना है, एक और दो, दो स्टिच बनाएंगे, यहाँ एक स्टिच हमारा इधर बढ़ गया, एक दूसरी तरफ बढ़ा लेंगे, जैसे फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था बीच में हमने 12 स्टिच रखे थे और साइडों में हमने 7-7 स्टिच रखे थे, सेम वही स्टिच हमारी यहाँ पर आ गई है इस रो में। इसके बाद हमने दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर लेना है, दरअसल ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो ही गया है। तो ये देखिए नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, यहाँ फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक पैटर्न बन गया है, पूरा एक पैटर्न हो गया है, ये चीज हमारी अब यहाँ आ जाएगी। ये हमने जो 10 स्टिच बनाए हैं हमने इसके अंदर 10 स्टिच बना लेने हैं और ये हमारा पैटर्न आगे स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बनेगा ये पैटर्न। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है ये डिजाइन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।